हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अविराज एंड मामा ब्लॉग्स। आप सभी को सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर माँ हर बहन के जीवन में एक नटखट कान्हा ज़रूर आए, जिस तरह हमारे जीवन में है ये हमारा नटखट कान्हा। और आज हम कोशिश कर रहे थे कि इनको थोड़ा सा लुक दे दिया जाए, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ये लुक लेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ ऐसी पहनाओ तो कपड़े तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो कपड़े बहुत चुभते भी हैं। तो हमने सोचा था बहुत हल्का फुल्का सा इनका लुक क्रिएट करेंगे और कुछ अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना था हमें। क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है वडोदरा में, इतनी ज़्यादा हो रही है लगातार, वो भी तेज़, तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ सामान नहीं ला सकते। तो यहाँ जो है लड्डू गोपाल की कृपा से हमने अपना लड्डू गोपाल पाया है, अपने कान्हा को पाया है। तो हम हमेशा ऐसी, हमें मन करता है कि इसको ऐसे रेडी करें। पिछले साल थोड़ा छोटा था तो रेडी हो गया था, इस बार इनका ये देखिए ड्रामा। फिर जितनी बार हम पहना रहे हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, आप लोग देखिएगा कितनी बार ट्राई कर रहे हैं पहनाने का और कितनी बार ये निकाल रहे हैं। और यहाँ इनको मोबाइल में सब कार्टून भी दिखाया जा रहा है कि जो देखते हैं इनके फेवरेट जो हैं चीज़ें, तो उसको देख के ये अपना चुप रहें, शांत रहें, और हम जो करना चाहते हैं हमें करने दें। लेकिन इनको ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, बार बार ऐसे कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं हम, लेकिन ये सब चीज़ें करने में मज़ा भी आ रहा है। और किस तरह से थोड़ा सा इनका ध्यान भटक जाए, हम इनका ध्यान भटका दें, हम भी तो माँ हैं, अगर ये हमारे बेटे हैं तो इनका ध्यान थोड़ा सा भटका के इनको रेडी किया जाए। तो इस बार कपड़े तो नहीं लाए थे हम, इस बार हमने सोचा था कि अपने दुपट्टे की धोती बनाएंगे, तो वही करेंगे आगे। आप लोग देखेंगे किस किस तरह से बनाए हैं, पूरा अच्छे से तो नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से हो पाया है उस तरह से ही हम दिखाएंगे कि कैसे लुक क्रिएट किया है इनका हल्का फुल्का थोड़ा बहुत। फाइनली किसी तरह पहना दिया गया है इनको, जो इनका मुकुट है वो किसी तरह पहना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कितनी बार इन्होंने निकाला था, पहनाया गया था, निकाला गया था। तो इस तरह से ये हो गए। अब हम टीका लगाने के लिए लेने गए हैं रोली और चंदन, लेकिन आप देखिएगा रोली चंदन का टीका बाद में इन्होंने मिटा दिया था, इनको नींद भी आने लगी थी क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा हो रहा था काफ़ी बारिश की वजह से, तो नींद भी आने लगी थी। कुछ ऐसा करो तो ज़रूर नींद आने लगती है बच्चों को। यहाँ टीका लगा रहे हैं, लेकिन ये टीका काम नहीं आया था, बाद में लिपस्टिक से लगाना पड़ा था, लेकिन ये सारी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारा छोटा सा कान्हा, इतने में ही इनका लुक अच्छा लग रहा था, ये निखर के आ रहा था। और अपना बच्चा तो सबको प्यारा लगता है, हर बच्चा प्यारा लगता है, बच्चे चाहे जो भी ड्रेस पहन लें अच्छी, कोई भी लुक ले लें, अच्छे ही लगते हैं, प्यारे ही लगते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ है हमारा कान्हा, और अभी इनको खूब नींद आ रही है, लेकिन बाद में इनकी नींद एकदम उड़ चुकी थी, खूब खेलने कूदने लगे थे।
हो गया ना जल्दी अरे जल्दी रुक जाइए, अभी वो मुकुट वो पहनाया नहीं तो हो गया। अरे तो पहना लो ना यार, तो जल्दी है यार। वेरी गुड। यहाँ हमारे कान्हा का फाइनल लुक रेडी हो गया है, और कितना प्यारा लग रहा है ना। छोटा सा लुक क्रिएट किया है और छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं ताकि याद के तौर पे ये सारी चीज़ें रहें। ये सारी चीज़ें बाद में देखो ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आज जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करते हैं, बस हमारे कान्हा की ये मुस्कान बनी रहे हमेशा, वो स्वस्थ रहे, खुश रहे और खूब आगे बढ़े जीवन में। बहुत नटखट है हमारा कान्हा, लेकिन हमें सबसे प्यारा है। इनका निकनेम कान्हा ही है, सब लोग घर में कान्हा बुलाते हैं, अविराज भी बुलाते हैं, दादी बाबा इनके कान्हा बुलाते हैं, जो लोग भी जानते हैं वो कान्हा ही बुलाते हैं। और यहाँ देखिए बांसुरी इनको दे दी गई, तो हम लोगों को कह रहे थे बजाओ, यहाँ देखिए कैसे कर रहे हैं ये। और अब यहाँ कान्हा अपनी सारी चीज़ें निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा ये ताम झाम। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।